हसेगा इंडिया। हेलो मिस्टर राजू। हाय, हेलो हेलो, तुम भी हेलो, हम भी हेलो। हम दोनों हिलते हैं। हिलते हैं जोर जोर से। वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हैं। क्या हुआ? मैं तो अच्छा लगती हूँ। जरा मेरी भी तो तारीफ करो। तुम्हारी तो यार एकदम गोल्ड स्पॉट की बोतल लग रही हो। और होंठ तो ऐसे लाल लाल ऐसा लग रहा है अभी अभी बकरे का ताजा ताजा गोश्त खा के आई हो। एकदम ताजा। तुम नहीं सुधरोगे। पक्का? मैं तुम्हें देख लूंगी। तो वही तो कह रहे, कब देखोगी? कितनी दिन हो गए देख ही नहीं रही हो। सुनो सुनो, वो सीट जो तुम्हारी हॉट सीट है ना, वो हॉट होने के लिए बेताब है। Give me a plus, Rakhi. आज से अगर 50 साल पहले ले जाएं, 50 साल पीछे, ओहो क्या क्या होता था। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करने लगता था तो पूरे गांव में चर्चा। कुछ सुनिया? ए गुप्ता ही नहीं आओ। गुप्ता शुक्ला ही नहीं आओ। कुछ सुने? नहीं सुने, धत पागल। कुछ सुने नहीं तो क्या बहरी हो? महेंद्र एक लड़की से प्यार कर रहे हैं, यो चल रहा गांव में। घोर कलयुग है, दोनों मिल रहे हैं, चपर चपर कर रहे हैं, लपर झपर। जीते जी से मुंह काला कर दिए माँ बाप के। हाँ इससे अच्छा होता है महेंद्र हुआ पैदा होते मर जाता ससुरा। तो उस जमाने में अगर कोई दूसरी जात में शादी कर लेता था, दूसरी जात में शादी करता था तो बहुत बड़ी बात। अब एक पंजाबी घर की शादी तय हो गई मद्रासी घर में, लड़के लड़की का जम गया आपस में, बाप हैरान, ओए खोतिया, ओए खोतिया तलवार घुसा दूंगा, ओए तूने खानदान का नाम खराब किया खोतिया, ओए ओए तेनू नहीं छोड़ांगा खोतिया, ओए सब भाग रहे गांव वाले, सब तलवारें ऐसी खुली हुई हैं, ओए खोतिया ओ तूने मद्रासी कुड़ी पसंद कीती है जी, अब इस घर में सरसों का साग नहीं बनेगा, मक्के की रोटी नहीं बनेगी, इडली मेरे मुंह में घुसेड़ेगी, वो इडली घुसेड़ेगी, सांभर से नहला देगी मेरे को, उत्तम बा बनाएगी। आजकल तो लड़कियां इतना पूछती नहीं माँ बाप को, खुद ही लड़की आके बोलती है, माम मैंने अपने एक लिए लड़का पसंद कर लिया था, आज शाम में शादी कर रही हूँ, आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग भी आ जाना। कोई आके बोलेगा, पापा पापा मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है। Really? अच्छा कौन है भाई? बेटा बताओ बेटा, शर्माओ मत, कौन है? पापा मैंने अपने लिए राहुल को चुन लिया है। है बेटा तुम लड़के हो, तुमने लड़का चुन लिया? पापा राहुल में बुराई क्या है, लड़का है तो क्या हुआ, सब चीज आती है उसे, हर चीज की उसको प्रैक्टिस है, हाथ पैर दबाना, बिस्तर लगाना, चाय बनाना, व्हाट्स प्रॉब्लम? नहीं बेटा राहुल से शादी का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि बारात आएगी कि जाएगी। पापा बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं, लड़के लड़के की शादी नहीं मालूम आपको, आप एकदम गरीब लोग हैं, आप हाई सोसाइटी में बिल्कुल मैच नहीं करते। पापा पापा मैं और राहुल कल शादी कर रहे हैं, हो सके तो आप नहीं आना। ऐसी शादी होंगी और तब फिल्में अलग अलग आएंगी। फिल्म आएगी अमर अकबर एंथोनी, नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा द लव ट्रायंगल।
सीरियल कैसे आएंगे? कहानी वर वर की। ससुरा भी कभी जमाई था, वो रहने वाला महलों का। मैं तो टीवी बंद कर दूं। एक दिन मैंने केले वाले से कहा, अरे भैया केला कैसे दिया, कैसे दिया केला? ले लो, एक रुपए का एक केला। एक रुपए का ले लो, एक केला ले लो, उठा लो, उठा लो, उठा निकाल लो, ले लो एक रुपए का एक केला। क्या भैया इतना महंगा दे रहा है, 60 पैसे दोगे? 60 पैसे का? 60 पैसे में खाली छिलका मिलेगा। 60 पैसे में छिलका आएगा, छिलका। 60 पैसे का छिलका है? अच्छा अच्छा, ये लो 40 पैसा, छिलका रख लो, केला दे दो। बर्फदार, हम सौदागर हैं, हमारे 17 घर हैं, हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे। ठकुराइन होश में आओ, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर देखो, हम लौट आए हैं, हम लौट आए हैं, और आपको हंसाने के लिए एक ऐसा फनकार लाए हैं जिसके पास कॉमेडी का ताना बाना है, एक ऐसा जाल है जो आपको हंसाएगा, क्योंकि वो सुनील पाल है। यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उस टाइप का नहीं, उस टाइप का नहीं। तो किस टाइप का? भाई भाई वाला, भाई भाई वाला। सुनील संभालो। थैंक यू। राखी, तुमको कह रहे हैं, तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। माय गॉड, सपने में आ रही है डेली यू। That is why I love you. मुझसे शादी कर लो। मजाक करें, मजाक करें। हम तो आधा हूँ, तुम भी अपने आप को आधी कर लो। मजाक 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 नहीं, कहाँ देख रहा है बे? कहाँ हाथ लगा रहा है बे? अरे तो देख रहा है। पटक दूंगा, मसल दूंगा। राखी, यस डार्लिंग, शादी कर लियो। तो आप प्यार में पगला गया हूँ। दिन रात तोरे सपने देख रहा हूँ। हम तुमको खूब हंसाऊंगा, एक जोक अभी सुना देता हूँ। राखी, पहला जोक फेंक रहा हूँ, सुन लियो। एक बहुत बड़े पहाड़ पे एक सुखी रहता था। वहाँ एक और सुखी पहुँची, अब उस पूरे पहाड़ पे कोई सुखी नहीं, इंक्लूडिंग पहाड़, वो भी आंसू बह रहा है। एक और जोक सुन लियो। राखी, आई लव यू। सुना दो। आई लव यू के बगैर सुना दो। काबे जल रहा है, ये भून रहा है, ये जल रहा है। बंता ने कहा संता से, बंता ने कहा संता से, तू मुझे रोज बेवकूफ क्यों बनाता है बे? तो संता ने कहा, क्योंकि तू बनता है। राखी, शादी कर लो, आई लव यू। ये राखी तुमसे नहीं कह रहे हैं, राखी चूना मोरंग मिट्टी की बात कर। राखी तो मुझे देखकर एक ही गाना गाएगी, भैया मेरे रतन सामने आए तो तू बीच में ना आना। इसे भैया ये बहुत बढ़िया है, आप जो इनको ले जाना मटाई लैंड, और खूब पीना, खूब टाइट हो जाना, और बेहोश हो जाना, हम आएंगे ले जाएंगे फिर। Excuse me? Hello. आप लोग दोनों आपस में खुद ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, मुझसे कोई पूछेगा? मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं अपनी रतन नूरा की बात कर रहा हूँ। रतन नूरा ने आपको कितने फोन किए मालूम है क्या? राखी को रोज फोन करता हूँ, अब तो साला उसको खत लिखूंगा।
दिल की कलम से खत लिखूंगा। मैंने कहा रतन भाई खत क्यों लगेंगे, जब भी फोन करता हूँ वहाँ से मैसेज आता है DPL मोबाइल यू आई कॉल PG प्लीज ट्राई लेटर लेटर तो लेटर लिखूंगा। मैं रतन उरा से नाराज हूँ। क्यों? शादी के बाद डायरेक्ट दारू पिला दिया उसने मुझे। अच्छा हुआ ना आप भी उनके रंग में रंग जाएगी है ना तो राखी जी आपको पता नहीं शायद आप कितनी पॉपुलर है, हर हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा जवान सभी आपसे प्यार करते हैं, और आगे चल के जब सोनी टीवी पे इंडियन आइडल आएगा आप आइडल बन जाएंगी इंडिया की, सारी लड़कियां आपको फॉलो करेगी, आपके स्टाइल को फॉलो करेगी। एक अभिजीत सावंत था एक राखी सावंत हो जाएगी, ये तो ठीक है इनके स्टाइल को फॉलो करते लड़कियां इतनी एडवांस हो जाएगी, इतनी मॉडर्न हो जाएगी। बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी, एक टपोरी छेड़ रहा उसको, ए क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, लड़की चल चल खंडाला चल 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 आजा चल 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 वो घबरा चल चल खंडाला चल चल अभी तूने बोला था चल खंडाला चल तू कमान लेट्स गो खंडाला बाबा कमान फॉलो मी चलो चलो चल क्यों मार रहे बहन जी आप बहन जी अरे तू क्या घुमाएगा मुझे खंडाला, मैं खुद खंडाला में रहती हूँ, घुमाना तो मुझे बॉम्बे घुमा, बोलने ये महंगा पड़ेगा। हमारे रतन नूरा साहब हमेशा मुझसे कहते थे सुनील मैं नॉनवेज नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं तो उस गली से भी नहीं गुजरता जहाँ नॉनवेज खाया जाता है। एक दिन घर पे देखा चिकन खा रहे, मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, कहते कि नॉनवेज नहीं खाता नॉनवेज नहीं खाता, ये क्या है चिकन खा रहे आप? अबे घर की मुर्गी है दाल बराबर है, मैं नॉनवेज नहीं खाता अभी। थैंक यू। अच्छा राखी सुनील का इतना अच्छा हो गया, तुम्हारा कुछ है? नहीं वैसे तुम्हारे पास बहुत कुछ है, एक राखी का हो जाए जरूर। हेलो राखी, मुंबई से महेश पटेल बोल रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ राखी, जो मैं जो भी कुछ करता है ना सब उल्टा हो जाता है। मेरे को एक ज्योतिष मिला था, उसने मेरे को बोला है कि मेरे पे शनि बहुत भारी है, उसका बुरी नजर है मेरे पे। अरे गांडा पागल, अरे सनी को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, he's a fantastic guy, you know, डोले देखे हैं डोले, ये डोले और क्या शोले, बेबे मूवी की है उसके साथ बेबे, ये सनी है सनी, वो अभी डार्लिंग नहीं, बट मैं गारंटी से कहती हूँ कि सनी is a fantastic guy, ओ फैंटा, कर दिया। अरे पुष्पा, तुम तो जानती हो जो काम कमिश्नर नहीं कर सकता वो कभी कभी सिपाही कर देता है, एक ऐसे सिपाही को पेश कर रहा हूं जो किसी भी कमिश्नर का बाप है, ये आपको हंसाएगा भरपूर हंसाएगा। अरे जय चनियारा, अरे आना। जय जी आपका स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल। मैं नहीं बोलूंगा। राखी जी आपके लिए। राखी जी इधर भी आइए तो मैं गाल पे भी कर लूं। राखी जी आपने किस तो कर ली मगर मेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राखी जी आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा पहले। हाँ करो, अर्ज करो। गुलाब को भी हम कमल बना देते, गुलाब को भी हम कमल बना देते, आपकी एक ही अदा पे हम गजल बना देते, आपकी एक ही अदा पे हम गजल बना देते, कम बखत मरती नहीं राखी जी हम पे, कम बखत मरती नहीं राखी जी हम पे, वरना हम मुंबई में भी ताजमहल बना देंगे।
साहब ने स्कूल में पूछ लिया, विक्की खड़े हो जा और बताओ अंग्रेज लोग किधर से आए थे। विक्की ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर जी अपने अपने घरों से। एक बार एक जनाब ने उनके बच्चे को पूछ लिया, कहने लगे बेटा ये बताओ हरिवंश राय बच्चल की सबसे अच्छी कृति कौन सी। उसका बच्चा तुरंत बोला, पापा अमिताभ बच्चन। हाल ही में आपने देखा कि अभिषेक और ऐश्वर्या की सगाई हुई, लेकिन सगाई से पहले अमिताभ जी ने ऐश्वर्या जी को धो ही डाला। वो तो उनको गंगा में स्नान कराने ले गए, गोमती में स्नान कराने ले गए, अलाहाबाद में स्नान कराने ले गए। तो एक जनाब ने मेरे को पूछा, जय भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन जब अमिताभ जी और दया जी की शादी हुई थी तब उन्होंने कोई ज्योतिष को अपने हाथ की रेखा दिखाई थी क्या? तो मैंने कहा भैया रेखा से बचने के लिए तो अमिताभ जी ने दया जी से शादी की थी। आजकल आपको पता है मोबाइल की बहुत फैशन हो गई है, हर एक के पास मोबाइल, और बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों ने तो अपने फोन में आंसरिंग मशीन डलवा दिया है। संजय दत्त साहब, ए चिरकुट अपुन तेरा फोन अभी नहीं उठा सकता रे, क्योंकि अगर तू अंडरवर्ल्ड का आदमी है तो पुलिस मेरी वाट लगाएंगे, और अगर तू पुलिस का आदमी है तो भाई लोग मेरी वाट लगाएंगे, और अगर तू सीधा साधा ऑर्डिनरी आदमी है तो खाली पीली अपना टाइम वेस्ट क्यों करता है रे, कॉइन निकालने का और नींबू पाली पी के सो जाने का, समझा क्या है रे? अभी देख ला 13 साल से मेरा कोर्ट में से नो रिप्लाई आ रहा है, तो मैं कुछ बोला क्या? कमाल है, एक जमाना था बच्चे डर जाया करते थे, बोल नहीं पाते थे, पब्लिक को देख के चुप हो जाते थे, आज जैने तो कमाल ही कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि वीआईपी पिछले 3 हफ्तों से कॉमेडी का सरताज बना हुआ है, क्या आज भी वो सरताज बन पाएगा? अच्छा यार, वेरी गुड यार, व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस यार, वेरी गुड यार। लेकिन अब वक्त है आज के कॉमेडी महाराजा चुनने का यार, पिछले 3 हफ्तों से एक ही चल रहा है यार, व्हाट अ टैलेंटेड गाय यार, वीआईपी को चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं यार, मिस्टर बेनी लूथर। मेरे पड़ोस में एक मद्रासी साहब रहते हैं, मैंने उनसे एक दिन पूछा, अन्ना जी कैसे हो, ठीक हो? आइयो माई तो ठीक है, तुम कैसा है? मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ भैया। मैंने उनसे कहा भाई फिल्म आई कुछ कुछ होता है, सुपर हिट पिक्चर है, आप देख के आइए। आइयो इतना सुपर हिट पिक्चर हम कैसा देखेंगे, हिट पिक्चर कैसा दे? आप समझे ना, हिट मतलब हिट नहीं है, गर्म पिक्चर नहीं है, अच्छी वाली कहानी, आप देख के आइए। तो मेरे कहने पर थिएटर में पहुंचे साहब, थोड़ा सा पिक्चर देखा, बाहर आया, बाहर यहाँ वहाँ देखा, फिर अंदर गए, फिर बाहर गए, फिर अंदर गए, वॉचमैन सर आने गया, वॉचमैन ने कहा ओ भाई साहब क्या है, आप बार बार बाहर आओगे तो आपको कहानी कैसे समझ में आएगी, अंदर जाकर बैठो। फिर बाहर है, आपको बोला ना एक बार, अयो सब पब्लिक बोल रहा कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, मैं अंदर जाके देखा तो कुछ भी नहीं होता है। देश के मिलिट्री कैंप में कुछ नौजवान कमी होने की वजह से सरकार ने पेपर में इश्तिहार दे दिया कि जिस घर में अगर 2 भाई हो तो 1 भाई मिलिट्री में आ जाइए, अगर 4 भाई हो तो 2 आ जाइए। इश्तिहार देने के बाद कोई नहीं पहुंचा वहां पर, आखिरकार मिलिट्री से कुछ नौजवान निकले और लोगों से कहने लगा भाई देश के लिए लड़ना है, कुछ करना है, जो भी मिला रास्ते में उसको पकड़ के पूछने लगे। सबसे पहले एक सिंधी साहब से पूछा, भाई आपको देश के लिए लड़ना है, आपको देश के लिए कुछ करना है? अयो बाबा क्या बोला, देश के लिए? अभी जो धंधा करता है किसके लिए करता है? देश के लिए करता है ना, पब्लिक के लिए करता है ना। बोले वहाँ आपको लड़ना है कुछ? अभी दिमाग खराब नहीं करो, सुबह शाम बीवी से झगड़ा करता है ना, अभी तो लपड़ा है ना यार। नहीं नहीं नहीं, आपको देश के लिए कुछ करना है, आप कुछ कीजिए। देखो यार ऐसा करता है, हम उधर बॉर्डर में आके पापड़ वापड़ बेचेंगे, जो भी कमीशन मिलेगा 10% तुमको देगा। नहीं यार कुछ और, अच्छा ऐसा करता है बॉर्डर में हम बम जितना जो भी बम है ना आधा उधर बेचेंगे आधा इधर बेचेंगे।
ऐसा नहीं यार, ये गलत हो रहा है। किसी मद्रासी से पूछा भाई, मद्रासी को बोला आप देश के लिए लड़ना है, उनको पोल्ट्री फार्म था, पोल्ट्री फार्म। अयो भाई, मेरा पोल्ट्री फार्म छोड़ के मिलिट्री का आने वाला नहीं मैं, मेरा वाइफ का ओनली वन सिंगल हस्बैंड, अगर टू हस्बैंड होता तो मैं जरूर आता था। आगे पूछो, देखो हमारे महाराष्ट्र साहब खड़े, उनको बोला भाई आपको देश के लिए लड़ना है, आपको आना पड़ेगा। आया समझो बाबा, आया। अभी क्या बड़ा लड़के का मेरा है ना, शादी होने वाला है, शादी के बाद एक साल के बाद लड़का होता है, लड़की होता मालूम होना मांगते ना, उसके बाद आया समझो। बोले चलो, अभी वो छोटा लड़की है ना, उसका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में पास होते हैं ना पास होते देखना मांगते ना, उसके बाद आया समझो। बोले फिर चलो, अभी क्या वर्ल्ड कप है ना, कब इंडिया में आता है नहीं आते मालूम होना मांगते, उसके बाद आया समझो। सामने वाला का यार मुझे नहीं लगता कि आप आओगे, ऐसा ही समझो। कब से सास बहू का प्रोग्राम है ऐसा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीवी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। एक हमारे यूपी वाले भैया तुलसी के घर के बाहर खड़ा हुआ है, किसी ने पूछा कहा भाई काहे खड़े हो, अरे नहीं ऐसे खड़े हो, अब टीवी में हम प्रोग्राम देख रहे हैं सास बहू, उसमें देखा है तुलसी है ना चार चार पति बदलती है, तो सोचा कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड यार बेनी, वेरी नाइस यार। बहन भाइयों, और अब वक्त है इस कोर्स का, तो बेनी को मिलते हैं 10 में से। बोलो यार, अरे बेटे हम तीनों ने फैसला किया है जो तुमने काम किया उसका उचित तुम्हें इनाम मिले, तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम्हें भी साथ दे रहे हैं, 10 में से 7 ले जाओ, खुश रहो। वेरी नाइस, थैंक यू बेटे। और अब मैं दूसरे योद्धा को बुला रहा हूँ, ये VIP अंडरवेयर पहन के आएगा। VIP, क्या बात है भाई लोग, लगा दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। मैं जिस मोहल्ले में रहता था पहले, माटूंगा मैं, वहाँ पे शराबी, चरसी, टपोरी सारे मेरे फैन हैं, इतने मेरे फैन हैं, कभी मैं शो पे जाता तो मुझे कभी एक आध गर्दुली मिले, जैसे मैं शो पे से पीछे से आवाज़ VIP भाई, मतलब क्या है क्या भाई, तुम्हारी सोनी टीवी में बहुत पहचान बेचान है भाई, कुछ टाका भिड़ाओ ना। अब एक ज़माना ऐसा आ गया कि ये परेशान होकर KBC में चला गया खेलने के लिए, KBC शुरू हो रहा है शाहरुख खान के अपने अंदाज में। एवरीबॉडी और प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने, ताऊ चाचा काकाओ, इस वक्त हमारे सामने बहुत ही प्यारे से कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद है, और इनका नाम है, आपका नाम क्या है? जाने दे, तकलीफ होएंगी भाई। तकलीफ बोले तो यार कुछ नहीं होगी, आप अपना नाम बोलो। बोलने में तकलीफ होएंगी। अरे क्या है? के बोल दे। अरे पूरा नाम बोलो यार। कल्लू केकड़ा। नाम बोलो। बोले ना तकलीफ होएंगी। के बोलो। ओके तो हम शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, तुम बहुत सवाल पूछते, मैं सवाल पूछूंगा। तुम पूछोगे? तुम सॉलिड इंटेलिजेंट हो, अपने को पैसा नहीं मांगता है, अपना सवाल का जवाब दो। ओके सवाल करो। पत्थर मालूम है? पत्थर, हाँ मालूम है पत्थर। एक कुएं में डाल दिया उसको, क्या होएगा? पत्थर कुएं में डालेगा तो उसे डूब जाएगा? नहीं। छींटे आएंगे? नहीं। अरे तो क्या होगा क्या यार? आवाज आएगी डुबुक। यार ये तो बड़ा बेहुदा सवाल है। दूसरा सवाल सुनो, इसी से रिलेटेड है। बोला हाँ बोल भाई। वो जो पत्थर था ना भाई, पत्थर, हाँ, वो कुएं में बहुत सारी मछली है, वो पत्थर एक मछली को लगा, मछली टपक गई, मछली टपक गई भाई, बाद में कुआं ओवरफ्लो हो गया। बोलो कैसे?
कुआ ओवरफ्लो हो गया, बोले तो पत्थर से हो गया, हो सकता है। नहीं, वो पत्थर जो गिरा ना मच्छी पे लगा, मच्छी टपक गई, सब मच्छी लोग रोएंगी, आंसू बहेंगी, कुआ ओवरफ्लो होएगा ना बा। अरे यार बहुत पका रहे यार। नहीं, एक आखिरी सवाल। ओके पूछो। सोनी टीवी पे प्रोग्राम आता है, देखता है क्या राजू श्रीवास्तव का? कौन सा? कॉमेडी का बादशाह हसेगा इंडिया। हाँ सोलेट है, सोलेट है। एक बार क्या हुआ, मैं अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा था, साथ में चिपकली, मालूम है चिपकली? हाँ मालूम है चिपकली, वो दीवार पे थी। राजू भाई ने झूक बोला, चिपकली गिर गई। काय को चिपकली गिर गई? क्या पता नहीं है, मालूम नहीं, आई डोंट नो यार, पता नहीं। अरे भाई, भाई ने झूक बोला तो ताली बजाना पड़ता है कि नहीं? गिर गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी गुड यार। अच्छा यार, वेरी नाइस यार। अभी और वक्त है इस कोर्स का, और वीआईपी को मिलते हैं 10 में से। बोलो यार। विजय बेटे, बहुत मेहनत की तुमने, तुम वीआईपी हो, वीआईपी ही रहोगे। तुम्हें भी देता हूँ मैं साथ, तुम भी ले जाओ साथ। ऑल द बेस्ट वीआईपी। थैंक यू। वेरी नाइस। अरे ए रखिया, रखिया ए रखिया, तुहरे लिए बोल रहा हूँ, हमारे दिल के उद्गार है तू, हमारा दिल में ऐसा समाई है ए, जैसे बाजरे के खेत में भैंसिया घुस आई है। बिगुल बज चुका है, जंग का आखिरी राउंड शुरू होने वाला है। एक योद्धा है गदा, दूसरा है भाला, देखते हैं कौन है इसमें तगड़ा और कौन ढीला ढाला। पहले योद्धा आ रहे हैं बेनी। जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोग्राम तो आते आते कुछ देर के बाद प्रोग्राम वाले बता देते मिलते हैं ब्रेक के बाद, आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक ब्रेक, पता नहीं कितना ब्रेक लग जाता है। आम जिंदगी में लोगों पर कितना असर पड़ा है ब्रेक का। एक सज्जन डॉक्टर ऑपरेशन करते करते बाहर आ गए, ऑपरेशन थिएटर से बाहर कुछ रिलेटिव्स करे, बोला डॉक्टर साहब, बोला डॉक्टर साहब के बच्चे चुप रहो, इस वक्त हमने आधा ऑपरेशन किया, आधा ब्रेक के बाद करेगा। उस जिंदगी का ब्रेक लग गया। एक साहब किसी पंडित को पकड़ के मार रहे, बोला इधर इधर साहब, इधर इधर। किसी ने पूछा क्यों मार रहे हो? अरे क्या क्यों मार रहे हो, 3 साल पहले इसने मेरी शादी कराई थी, 3.5 फेरे लगवाए, बोला ब्रेक के बाद करूंगा। आज 2 साल हो गए, लड़की किसी और के साथ भाग गई। कोई मर गया, गुजर गया, उनके डेड बॉडी छोड़ के आए, जलाए नहीं, छोड़ के आ गया। किसी ने पूछा क्या हुआ, बॉडी जलाए नहीं? बोला अभी नहीं, ब्रेक के बाद जलाएगा। जो मरा हुआ था हार बार फूल सब निकाल के आएगा। मोहल्ले में दौड़ता दौड़ता आया, लोगों ने देखा बोला भूत आया। अरे मैं भूत नहीं रहा बाबा, मर के ऊपर गया था। यमराज बोला ब्रेक के बाद में आना। दो शराबी आपस में दंगे कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ के कोर्ट में लेके गया। जज साहब ने पूछा बोला आपने शराब पिए? बोला पिया। आपने लफड़ा किया? बोला किया। 500 रुपया फाइन। दूसरे से पूछा बोले आपने शराब पिए? बोला अभी भी पी सकते हैं। बोला आपने दंगा किया? आप भी कर सकते हैं। बोला आपको 50 रुपया फाइन। जिसको 500 रुपया फाइन, वो बोला क्या आप मुझे 500 और उसको 50? बोला वो हमारा रोज का गिरा गया, तुम कभी कभी आते हैं। साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। साइंटिस्टों ने सोचा कि धरती पे इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़, चांद पे घर बसाना है। अब साइंटिस्टों को बस इतना टाइम नहीं कि भाई खुद जाके वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण देखना है, तो बोला किसी को बोलते हैं यार चलो चांद पे जाओ, वहाँ का माहौल वातावरण देख के आए, जो भी पैसा होगा हम आपको दे देंगे। सबसे पहले एक मदरासी साहब आया, उनको पूछा भाई आपको चांद पे जाने कितना पैसा लोगे, क्या है? अयो चांद पे जाने का बोले तो हवा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ऊपर गया तो आने की नो गारंटी, मैं 1 लाख रुपये लेगा, 1 लाख।
बोले 1 लाख तो बहुत ज़्यादा, कोई दूसरों को है क्या? कोई गुजराती भाई आएगा, बोला आप चांद पे जाओगे? बोले जिंदगी में पहली बार जा रहा हूँ, 2 लाख रुपये लेगा। बोले 2 लाख का क्या करो, ऐसा है ना बैंक में डालेंगे हम। बोला यार ये भी बहुत ज़्यादा। बोला कोई सिंधी साहब है, उनसे पूछा भाई आपको चांद पे जाना है आप कितना पैसा लोगे? बोला 3 लाख रुपये लेगा। बोले पागल है 3 लाख रहेगा? अरे तुम चांद का बात करता, हम सितारे पे भी होके आएंगे, दो दो काम करेंगे। बोले 3 लाख का क्या करोगे? देखो यार 1 लाख रुपये पहला तुमको देगा, दूसरा 1 लाख रुपये हम लेंगे, ऊटी जाएगा, सिंगापुर जाएगा, एंजॉय करेगा। बोला फिर चांद पे? अरे मद्रासी बोला है ना चांद पे जाने का 1 लाख रुपया, उसको 1 लाख रुपया देगा, बोला चांद पे जा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहनों भाइयों, बेनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त है वीआईपी का। ओहो आहा, इही। मनोज कुमार जी, अच्छा उनका नाम भारत क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो आज तक भारत के बाहर नहीं गए, बिकॉज जो उनका जो पासपोर्ट पर जो फोटो है वो ऐसे, मतलब तुम भारत के बाहर मत जाओ, भारत ही रहो। स्टम्प। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पता चला कि ये वीआईपी आवाज़ निकालता है स्टारों की, वहाँ पर लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, तो मुझे फ़ोन आया कि भाई आपको आना लड़ना है, बस मैं पहुँच गया। मतलब कहाँ लड़ना है? बस आप जाओ बॉर्डर पे जाओ। मतलब बॉर्डर पे ऐसे कैसे जाऊँगा सर, मुझे माइक वाइक चाहिए। मतलब ठीक है माइक देते हैं हम आपको, और बड़े बड़े स्पीकर्स पहाड़ पर लगा दिए। तो मैंने दुश्मनों से लड़ाई की अपने अंदाज में। सबसे पहले मैंने अपने गले के जरिए एक मिसाइल छोड़ा बॉर्डर पर, दुश्मनों की बाउंड्री पर। सामने वाले देश ने भी एक मिसाइल छोड़ी, उनका मिसाइल वेस्ट हो गया क्योंकि यहां कुछ था नहीं, खाली आवाज थी। मैंने दूसरा मिसाइल छोड़ा, सामने वाले देश से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गया कि इनको पता चल गया यहाँ पर कोई नहीं, लेकिन मैंने उनको यकीन दिलाया कि यहाँ पर कोई है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों जवान हैं। एक ही गले से हजारों जवानों की आवाज़ कोशिश करूँगा। ले चलते बॉर्डर पर एक छोटा सा वार। भारत माता की जय। फायर, दुश्मन को ख़त्म कर दो। मैंने देश को जिता दिया। मैं गया मनमोहन सिंह जी के पास, मैं जीत गया। लाइए मुझे मेरी ऐश दीजिए। बोला ऐश, आपने बोला था फ़ोन पे कि आपको ऐश के लिए लड़ना है। बोला वो तो मैंने कहा था कि देश के लिए लड़ना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक बहुत पुराना जोक है, मैंने बुश से पूछा कि आप सद्दाम के पीछे क्यों पड़े हैं, आपके पास कोई सबूत है कि सद्दाम के पास जैविक हथियार है, उसके पास खतरनाक वेपन्स हैं, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है? बुश बोले, है ना ये रसीद, हम ही लोगों ने तो उसको बेचा है सब। और अब वक्त है इस एपिसोड के कॉमेडी के महाराजा को चुनने का। हे बेब, कम ऑन। और फाइनल राउंड में बेनी को मिले हैं 10 में से 7, यानी अगेन दोबारा 10 में से 7, और वीआईपी को मिले 10 में से 8। आज के फिर से कॉमेडी के महाराजा वीआईपी।
कॉमेडी के महाराजा, मुबारक हो, जोरदार तालियां वीआईपी के लिए। थैंक यू। आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे आपको हंसाने के लिए, वही आपका फेवरेट प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है कॉमेडी का बादशाह हसेगा इंडिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।